तो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन कैमकेट एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरसीएफएल के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आरसीएफएल ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है बेसिकली फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट, और ये जो रिक्रूटमेंट था बेसिकली इन्होंने 14 जुलाई को ही रिलीज कर दिया था। मतलब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो था वो रिलीज कर दिया था इन्होंने पोस्टर, और हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपके साथ शेयर भी किया था बेसिकली वो। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि जो भी जॉब वैकेंसीज आती है केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं पर आरसीएफएल के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी का ये रिक्रूटमेंट है बेसिकली। ओके, और यहां पर मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की टोटल 14 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 23 है, बिकॉज अदर ब्रांचेस भी इसमें एलिजिबल है। ओके, और जो एप्लीकेशन डेट जो बेसिकली रहेगी वो 29th of July है। 29th of July से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और लास्ट डेट जो है वो रहेगा 18th of August। ठीक है, तो इन्होंने अपना डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली वो रिलीज किया है। यहाँ से आप देख सकते हो, क्लिक हियर पर जब आप करोगे तो आपको डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिलेगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट का। नाउ आरसीएफएल के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, देखिए तो आरसीएफएल जो कि एक केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी, और इसमें 75% जो है किसका शेयर है, मतलब इक्विटी किसकी है, गवर्नमेंट की है। 1997 में इसको मिनी रत्न का स्टेटस बेसिकली मिला था। और अगर इसके प्लांट की हम लोग बात करें, आरसीएफएल के प्लांट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है बेसिकली, दो लोकेशन में, एक आपका बॉम्बे ट्रॉम्बे इन बॉम्बे जो है, उसके अलावा दूसरा जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इनका प्लांट है ना। तो ये यहाँ पर दो जगह इनकी प्लांट है, मतलब प्लांट लोकेशन होगी। नाउ अब देखिए हम लोग बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है बेसिकली आरसीएफएल का, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ये विदाउट गेट है, मीन्स आरसीएफएल अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, ये चीज़ आपको क्लियर है। नाउ सेकंड चीज़, इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मतलब कि फ्रेशर भी इलिजिबल है। ठीक है, देन इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल वैकेंसी की बात करें, उससे पहले एक और चीज़ देखिए कि अभी अगर आप देखोगे केमिकल इंजीनियरिंग की, अगर हम लोग बात करें तो बैक टू बैक आपको वैकेंसीज मिल रही है। सबसे पहले आपकी एचपीसीएल की वैकेंसी आई, एचपीसीएल के बाद में फैक्ट की वैकेंसी आपको मिली, फैक्ट के बाद आपको जीएसएल की वैकेंसी भी मिली है ना, जो डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है। देन इसके बाद अभी आरसीएफएल की वैकेंसी आ गई, मतलब आपको तीन तो रिटर्न एग्जाम मिलेंगे यहाँ पर। एचपीसीएल अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, फैक्ट अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, आरसीएफएल अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो गाइस, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में ये सब एग्जाम्स भी आप दोगे तो आपको बेसिकली ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें भी हेल्प मिलने वाली है ना। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए इस बार। ओके, नाउ अब इस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस रिक्रूटमेंट के बारे में, कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है यहाँ पर केमिकल की है, टोटल 14 नंबर ऑफ। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल क्या है, बीटेक अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, बट इंपॉर्टेंट है कि आपने केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो, केमिकल डिसिप्लिन, उसके अलावा केमिकल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने थ्री ईयर को क्या होता है कि आप डिप्लोमा करके अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो भी आप एलिजिबल हो, बट अगर आप अलाइड कोर्सेज की अगर मैं बात करूं कि केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के अगर आपने किसी ब्रांच में किया है तो आप इस मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए अप्लाई नहीं हो। इन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ तो ये तो बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। नाउ सेकंड, एक्सपीरियंस की मैं यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। नाउ एज का जो क्राइटेरिया, देखिए एज क्राइटेरिया जो है आइदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज, इन दोनों के लिए जो क्राइटेरिया वो क्या है कि 1st of March जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी इन्होंने देखिए अभी निकाली जुलाई मंथ में है ना, बट इन्होंने कट ऑफ डेट क्या रखा है, मार्च रखा है बेसिकली है ना, 1st of March इन्होंने रखा है 2022। मतलब उससे पहले आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो जो भी आपका एज क्राइटेरिया 27 ईयर इन्होंने मैक्स रखा है, उसके अलावा आप एज रिलैक्सेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इन्होंने कट ऑफ डेट जो है वो 1st March रखी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किसी कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा नेक्स्ट मंथ में एग्जाम क्लियर होने वाला है, या इस मंथ में मतलब मेरा डिग्री मिल जाएगा एंड ऑल, तो आप गाइज एलिजिबल नहीं रहोगे, बिकॉज 1st of March जो इन्होंने कट ऑफ डेट रखी गई। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए अप्लाई करने से पहले। ठीक है, ना उसके बाद सेकंड जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट देखिए कौन सी है, मैकेनिकल के लिए, जिसमें टोटल 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। देन इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो बॉयलर है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर इन्होंने निकाला है, उसके लिए टोटल 4 पोस्ट। देखिए बॉयलर के लिए कि आपको एक एडिशनल जो है सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बॉयलर मतलब एक्सपीरियंस वाला जो होता है ना, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। आइदर आप केमिकल ब्रांच से बीटेक किया हो, आपने मैकेनिकल से किया हो, इंस्ट्रूमेंट से किया हो और इलेक्ट्रिकल से किया हो, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, बट डिफरेंट आप कैटेगरी में अप्लाई करते हो, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो देखिए एक ही डे मतलब सेम डे रहने वाला है यहाँ पर, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। तो बॉयलर का तो आप तभी अप्लाई करोगे अगर आपने आपके पास बेसिकली सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज आप अपना जो ब्रांच है उसी से अप्लाई करोगे। देन इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी सेफ्टी के केस में देखिए केमिकल इंजीनियर्स अलाव है, लेकिन उसके साथ 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा किया हो आपने, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स किया हो, तब आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आपके पास फायर सेफ्टी का जो है डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बीटेक का।
ना उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैनेजमेंट एंड सिविल है जिसकी टोटल 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग पे आपने बीटेक किया हो। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कट ऑफ डेट इन्होंने जो रखा है वो 1 मार्च इज, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 27 ईयर बेसिकली एज रखा है। देन इसके अलावा 60% मिनिमम आपका जो है परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। देन इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनिंग अगर हम लोग फायर के लिए बात करें तो वहाँ पर इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। देन इसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग लैब के लिए निकाला जिसमें कि एमएससी इन केमिस्ट्री अगर आप है तो एलिजिबल हो, 2 वैकेंसी इन्होंने निकाली है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग आईटी में टोटल 3 वैकेंसी निकाली है, उसमें सीएसआईटी में अगर आपने बीटेक किया तो आप एलिजिबल हो। ओके तो ये था कंप्लीट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर टोटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की कितनी वैकेंसीज है, 23 आउट ऑफ 23 14 नंबर जो है वो प्योरली केमिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये तो बात होगी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। नाउ अब हम लोग यहाँ पर आगे बेसिकली बात करते हैं। देखिए ये तो एज रिलेक्सेशन वगैरह की बात हो गई, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है वो आते हैं इंपॉर्टेंट जो है एप्लीकेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो 1000 रुपीज़ है। और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ डेट है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि 1 मार्च 2022 इन्होंने जो है बेसिकली कट ऑफ डेट रखी है इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। ना उसके बाद नेचर ऑफ जॉब की अगर हम लोग बात करें तो प्योरली शिफ्ट ड्यूटी रहने वाली गाइस, लोकेशन ऑलरेडी मेंशन कर दिया महाराष्ट्र में जो इनका दोनों लोकेशन है ना, बॉम्बे वाला मतलब ट्रॉम्बे बॉम्बे वाला, उसके अलावा दूसरा जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी रहेगी। उसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट सैलरी। देखिए सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सबसे पहले तो 1 ईयर के लिए आपका ट्रेनिंग रहेगा, तो ट्रेनिंग में आपको एक फिक्स स्टाइफंड मिलता है जो कि 30,000 पर मंथ है, बट उसके साथ आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाता है ना। उसके अलावा इन्होंने और भी मेंशन किया है कि 2500 पर मंथ आपको एडिशनल भी फिक्स अलाउंस एक मिलता है। तो जब आप कंप्लीट कर लेते हो ट्रेनिंग तो सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको अब्सॉर्ब किया जाता है इवन ग्रेड में। इवन ग्रेड में बेसिकली आपकी जो पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल रहता है 40,000 से 1,40,000। और इन शॉर्ट अगर मैं मंथली सैलरी की मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए इन्होंने सारे अलाउंसेज कंसिडर करके है ना, उसमें HRA हो गया, बेसिक पे हो गया, DA हो गया, वो सारे इंक्लूड करके इन्होंने 77,400 रुपीज़ जो है इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ सैलरी आपका बताया, बट कंडीशन क्या है उसमें कि क्लासेसिटी। उसके बाद बॉन्ड आपका रहेगा 1 लाख जो है आपको वो मतलब डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 प्रोसेस रहेंगे, पहला रहेगा ऑनलाइन टेस्ट एंड सेकंड रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, इसमें कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं रहता है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट जो है बेसिकली सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और इसमें 2 सेक्शन रहेंगे, एक आपका रहेगा एप्टीट्यूड सेक्शन और दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा टेक्निकल सेक्शन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वो 100 रहेंगे, 50-50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर टाइम की मैं बात करूँ तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रहेगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, मतलब कि 100 मार्क्स का पेपर हो गया ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर जो है मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए गाइस कि जो ऑनलाइन टेस्ट जो इन्होंने सेंटर रखा है, देखिए इन्होंने सेंटर बहुत सारे रखे हैं इंडिया में, भोपाल रखा है, दिल्ली रखा है, लखनऊ रखा है, हैदराबाद रखा है, बेंगलुरु रखा है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर है ना। तो इन्होंने ये सब सेंटर रखे, मतलब आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए है ना, बिकॉज आपके नियरेस्ट जो है वो सेंटर रहने वाले ठीक है। ये बात होगी यहाँ पर सेंटर के बारे में। नाउ उसके बाद जो सिलेबस की अगर बात करो, आप देखिए एप्टीट्यूड का जो है जनरल सिलेबस होता है, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, तो उसमें तो सिलेबस की कोई बात नहीं होती है। बाकी जो केमिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन जो रहेगा डिसिप्लिन वाइज अगर हम लोग बात करें ब्रांच वाइज, केमिकल में सेम आप गेट का सिलेबस पकड़ लीजिए है ना, उसमें आप उसका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स रिमूव कर दीजिए, सिर्फ टेक्निकल पास कंसीडर कीजिए है ना। तो सिलेबस आपको मिल गया, सिंपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब गेट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी नॉर्मल मान के चलिए आप क्वेश्चन का लेवल है ना। बाकी सारे एग्जाम जैसा रहेगा, मतलब मान के चल सकते हो फेट का जैसा रहेगा, HPCL का जैसा रहेगा, वैसा ही जो है रहने वाला है यहाँ पर लेवल पेपर का। ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स ऑलरेडी जैसा मैंने मेंशन किया है, डिसिप्लिन रिलेटेड मींस टेक्निकल सेक्शन एंड एप्टीट्यूड सेक्शन। ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट मींस 1.5 आवर का पेपर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्निकल सेक्शन एंड 50 फ्रॉम द एप्टीट्यूड सेक्शन ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, इच क्वेश्चन देख सकते हो आप 1 मार्क्स का रहेगा, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर ऑल्सो। ये बात होगी यहाँ पर कंप्लीट पेपर के बारे में ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें लास्ट में जो है गाइस, अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है फाइनल सिलेक्शन में, बिकॉज इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है वो रखा है 80-20, मतलब 80% जो है वो क्राइटेरिया रहेगा रिटर्न टेस्ट में आप कितना स्कोर करते हो है ना। पर्सनल इंटरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो 1:7 में ये लोग बुलाते हैं, मतलब जैसे 14 नंबर ऑफ पोस्ट है तो आप देख सकते हो कि हर एक पोस्ट के लिए जो है 7 नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो अराउंड 100 कैंडिडेट, अगर सेम मार्क्स में ज्यादा कैंडिडेट आ जाए तो उनको भी कंसीडर किया जाता है, तो अराउंड 100 स्टूडेंट को जो है ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए ठीक है।
इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पर कि इंटरव्यू में अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके लिए आपको एसी फेयर भी मिलता ही है ना, थर्ड ईयर का जो एसी या बस का जो फेयर आपको मिलता है। फाइनल सिलेक्शन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा वो रखा है वेटेज की, अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 80% इन्होंने रखा है एंड पर्सनल इंटरव्यू का जो रखा है इन्होंने वेटेज वो रखा है 20%। तो बहुत अच्छा चांसेस है अगर आप रिटर्न में अच्छा स्कोर करते हो, सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट नहीं होना, आपको अच्छा स्कोर करना है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इस रिक्रूटमेंट के बारे में गाइस। आरसीएफएल का रिक्रूटमेंट है गाइस, है ना। तो आप देख सकते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम लोग गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो पीएसयू मतलब जो आपके ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज के बाद में जो आपको अच्छा पैसा देती है वो फर्टिलाइजर कंपनीज अच्छा पैसा देती है ना। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगेन मैं बोल सकता हूँ। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट के लिए या जस्ट पिछले साल जो अभी पास आउट हुए उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बैक टू बैक आपको एग्जाम मिल रहा है। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि पहले एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट आया, उसके बाद फैक का रिक्रूटमेंट आया, उसके बाद जीएसएल का आया, उसके बाद अभी आपका ये आरसीएफएल का आ गया है ना। गाइस कोई भी अगर डाउट रहता है आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी डाउट रहता है ना, कुछ भी इशू आप फेस करते हो, तो आप यहाँ पर इस वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। ओके, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में अगर आपको जानना हो कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली एचपीसीएल का, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज इन सब एग्जाम में आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सिमिलर रहता है, इधर एप्टीट्यूड हो या फिर टेक्निकल हो, सिमिलर काइंड ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो हमारा है वो भी एनरोल कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली, है ना। बिकॉज स्पीड मैटर करती है यहाँ पर, कम टाइम रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट रिक्रूटमेंट के बारे में। ओके, सो कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं कि सर हम इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे कर सकते हैं स्ट्रेटेजी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी तरीके के जॉब नोटिफिकेशन के वीडियोस देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे बेल आइकन को क्लिक ना करना भूले, जिससे कि आपको हमारे न्यूली एडिट वीडियो की जो है अपडेट मिलती रहे। ओके,